रसूखदार को पकड़ने में पैर लड़खड़ा जाते हैं। कोर्ट की यूपी पुलिस को लताड़, क्या मरमनी त्रिपाठी पर कसेगा शिकंजा। आपने हाई प्रोफाइल केस वर्ड तो सुना ही होगा। हर जगह ऊंचे प्रोफाइल वाले लोगों को कई चीजों में सहूलियतें मिलती हैं, लेकिन कोर्ट तो कोर्ट होता है। यहाँ कानून से बढ़कर कोई प्रोफाइल नहीं है, तभी तो आज कोर्ट में यूपी पुलिस को तगड़ी लताड़ लगी है। दरअसल ये पूरा मामला यूपी के बाहुबली अमरमणि त्रिपाठी से जुड़ा हुआ है। अमरमणि त्रिपाठी का केस एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा है। इसी मामले में कोर्ट ने यूपी पुलिस को जमकर फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि क्या पुलिस के पैर किसी रसूखदार को पकड़ने में लड़खड़ा जाते हैं। कोर्ट के इस तल्खी की वजह यह है कि अपहरण के एक केस में अमरमणि त्रिपाठी के मकान पर कुर्की का नोटिस भी चस्पा किया जा चुका है, उसे भगौड़ा भी घोषित किया जा चुका है, लेकिन अमरमणि बस्ती पुलिस के हाथ नहीं लग रहा। वही कोर्ट पहले भी कई बार ये सवाल उठा चुका है कि पुलिस अमरमणि त्रिपाठी को गिरफ्तार क्यों नहीं कर पा रही है। 22 साल पहले के इस केस में पुलिस की तरफ से त्रिपाठी के मकान पर कुर्की का नोटिस चिपकाया जा चुका है, उसे भगौड़ा तक घोषित किया जा चुका है, लेकिन बस्ती पुलिस के हाथ अमरमणि त्रिपाठी को पकड़ने में अब तक तो खाली है ही। वहीं इस केस में कई तारीखों पर अमरमणि कोर्ट में पेश नहीं हुए हैं, जिस पर 16 अक्टूबर को एमपी एमएलए कोर्ट ने बस्ती पुलिस को सख्त आदेश दिए थे कि वो अगली तारीख को हर हाल में अमरमणि को कोर्ट में पेश करें। लेकिन जब आज भी पुलिस त्रिपाठी को बिना कोर्ट में लिए पहुंची, तो कोर्ट ने बस्ती एसपी को फटकार लगाते हुए कहा कि पुलिस गरीब अपराधियों को पकड़ने में तो पूरी तत्परता से लग जाती है, उनके खिलाफ पैरवी भी बड़ी तत्परता पूर्वक करती है, लेकिन जैसे ही किसी प्रभावशाली दुर्दांत अपराधी को पकड़ने की बात आती है तो उसके कदम डगमगा जाते हैं। अब चूंकि पिछली बार भी त्रिपाठी कोर्ट में पेश नहीं हुए थे, उसी को देखते हुए कोर्ट ने बस्ती कोतवाल को चेतावनी जारी की। कोर्ट ने सख्त आदेश दिए हैं कि 2 दिसंबर को अब इस मामले में सुनवाई होगी। कोर्ट ने कहा कि 2 दिसंबर को आरोपी पेश नहीं हुए तो उनके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। वहीं एमपी एमएलए कोर्ट ने बस्ती के कोतवाल को भी आड़े हाथों लिया है। कोर्ट ने कोतवाल को साफ तौर पर कहा है कि कोतवाल अभियुक्त को भ्रमित कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि अमरमणि की फरारी की सूचना विज्ञापन के हिसाब से निकलवाएं, लेकिन उन्होंने उस विज्ञापन में ये मामला न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट में विचाराधीन होना दिखाया था, जबकि ये मामला एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा है। इसको लेकर कोर्ट ने कोतवाल को अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरतने का दोषी मानते हुए उन्हें नोटिस भी जारी कर दिया है। कोर्ट की इस तल्खी के बाद बस्ती पुलिस त्रिपाठी की तलाश में तेजी से जुट गई है। पुलिस की कई टीमें त्रिपाठी की खोजबीन में जुटी है। हालांकि इस दरमियान अमरमणि त्रिपाठी के वकील ने इस मामले में मोहलत देने की याचिका डाली है, जिसे कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। कोर्ट ने दो टूक कहा है कि आरोपी को हर हाल में पेश होना ही होगा। बहरहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि कोर्ट की इस सख्ती के बाद क्या बस्ती पुलिस त्रिपाठी को गिरफ्तार कर पाएगी। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।